श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और हमारे बताए हुए तरीके से अगर आपने प्रार्थना की तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। अक्सर भगवान से हमारी शिकायत होती है कि वो हमारी सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं फिर भी वो हमारी प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर देता है। कई बार हम परेशानी में होते हैं और वह हमसे मुँह मोड़े बैठे रहता है, ऐसा हमको लगता है। तो एनीवेज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी प्रार्थना असरदार और फलदायी कैसे बन सकती है। प्रार्थना के समय सर्वप्रथम आप ध्यान रखिए कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रार्थना के समय हमारा ध्यान कुछ चीज़ों की तरफ अटका होता है। भगवान मुझको नौकरी दिला दें और हे भगवान मुझको करोड़पति बना दें। प्रार्थना के समय भी आपका ध्यान प्रभु के चरणों में होता है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान को सही जगह पर लगाएं। मात्र धूप बत्ती जलाने से प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है। बोला गया है कि कलयुग में बिना नाम जपे व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। या नाम से मतलब मंत्र से है। इसका अर्थ है कि बिना मंत्र जाप के किसी व्यक्ति की प्रार्थना सफल नहीं हो सकती है, ऐसा हमारे कलयुगी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए आप अगर बत्ती जलाने के बाद मंत्रों का उच्चारण जरूर कर लीजिए, चाहे कोई भी मंत्र हो। और प्रार्थना में आपकी आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। मन व्यक्ति को भटकाता है और आत्मा व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है। मन बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, तू किसी का बुरा कर और अमीर बन, लेकिन आत्मा बोलती है कि नहीं, मरने के बाद तो हिसाब देना होगा। तो याद रखिए भगवान हमारा उसी प्रार्थना को सुनता है जो आत्मा से निकली होती है। इसलिए ध्यान दें कि प्रार्थना आत्मा से निकलनी चाहिए। चौथी चीज़, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हो क्या? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थना बिना कुछ मांगे की है? यदि की है तो यह बहुत ही उत्तम है, और यदि नहीं की है तो भगवान भी जानता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मांगते हो, इसलिए आपकी प्रार्थना असरदार और फलदायी नहीं हो रही है। आप कभी ध्यान में बैठें और उस दिन कुछ भी ना मांगें, बस ध्यान करें, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और सिर्फ दुख के वक्त प्रार्थना नहीं करें, असली असरदार और फलदायी प्रार्थना तो सुख में हो सकती है। आप अगर मात्र दुख आने पर भगवान को याद करते हैं तो आप स्वार्थी हैं और तब आपकी प्रार्थना असरदार नहीं हो सकती है। आप सुख में प्रार्थना करें तब आप देखेंगे कि आपके पास दुख नहीं आएगा। आपके कर्म सही होने चाहिए। आपको यदि असरदार और फलदायी प्रार्थना बनानी है तो इसके लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप किसी का दिल दुखाते हैं या चुगली निंदा करते हैं तो आपकी प्रार्थना फलदायी नहीं हो सकती है। इसलिए अपने कर्म अच्छे बनाएं। फिर भगवान के बच्चों की मदद करें। देखिए हम सब भगवान के बच्चे हैं, आप भी और हम भी। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप भगवान के बच्चों की भलाई और मदद करते हैं। यदि ऐसा है तो आपकी हर प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। आपको हर हालत में आपकी हैसियत के हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रार्थना असरदार और फलदायी बना सकते हैं। आप प्रार्थना करने से पूर्व खुद का आकलन जरूर करें कि क्या आप सही तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपके कर्म सही हैं, क्या आपने आज कोई गलत काम किया है, क्या आपकी आत्मा पवित्र है। तो इन सभी बातों पर नज़र डालने के बाद यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर फलदायी होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।